सरायकेला में आज युवा मोर्चा के द्वारा बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली के दौरान भारत माता की जय एवं वंदे मातरम के नारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान होता। इसके बाद एक सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में है और आगे भी सुरक्षित हाथों में ही हो, इसके लिए हमें संयुक्त रूप से नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाना होगा। कि जैसे अपने हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही है, ए हुजूम, ए संकल्प विजय रैली ये एहसास कराती है कि हमारे आदित्य नगर निगम के महापौर और भारतीय जनता पार्टी के कुल्हान के समर्थन के साथ प्रभारी हम सबों के अभिभावक परम आदरणीय विनोद सिंह राठौर जी कि आने वाला लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से हमारे युवाओं के अथक प्रयास से, युवाओं के मेहनत से फिर से हम झारखंड से 14 का 14 लोकसभा सीट ऐतिहासिक जीत दर्ज करके फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे, ऐसा आज हम सब यहां से संकल्प लेके जाना है। मित्रों, मैं कहना चाहूंगा कि युवा शक्ति देश का महाशक्ति है, हम सभी युवाओं को आगे आना होगा, समाज के कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए हम सभी युवाओं को अपने अपने क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से काम करना होगा। और जिस तरह देश के प्रधानमंत्री ने हम सबको आह्वान किया है कि अपना बूथ सबसे मजबूत, हम बूथ जीता तो चुनाव जीता, तो आज हम सभी युवाओं को ये संकल्प लेके जाना है कि हम जिस बूथ में रहते हैं उस बूथ का हम स्वयं अपने आप को नरेंद्र मोदी समझना होगा। हम उस बूथ का हम स्वयं एक प्रत्याशी है और उस विचार के साथ, उस नीति और सिद्धांत के साथ आज के बाद जब अपने घर को जाएंगे तो संकल्प के साथ हमको काम करना होगा कि अपने बूथ में निवास करने वाले ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो भी हमारे उस क्षेत्र में निवास करने वाले जो हमारा समर्थक है या अन्य दल से जुड़े हुए ऐसे परिवार दिखाने का काम किया है। और जिस तरह पाकिस्तान हमारे भारतीय सेना के ऊपर जो आत्मघाती हमला के माध्यम से जो 42 ऐसे सैनिकों को जो शहीद करने का काम किया था, उसका मुंहतोड़ जवाब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देने का काम किया है। 42 के बदले हम 350 से भी ज्यादा उग्रवादियों को मार के उनके घर में घुसकर पाकिस्तान के अंदर घुसकर हम मार के हमारे देश के वायुसेना ने आज वो साबित करके दिखाया है। इसलिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के नागरिक होने के नाते हम सबको अपने आप को एक गौरवान्वित होने की आवश्यकता है। आज हम सब लोग एक संकल्प के साथ यहां से जाने की आवश्यकता है कि आने वाला समय हमारे देश के प्रधानमंत्री को रोकने के लिए कई तरह के राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। महागठबंधन, महाठगबंधन, जो चोर चोर मसेरा भाई एक तरफ और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री एक तरफ, इसलिए हम सभी लोगों को ऐसे महागठबंधन के लोगों को चुनौती देने की आवश्यकता है, ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए आने वाला समय इस लोकसभा का चुनाव में हमारा सिंहभूम लोकसभा से हमारे लोक राजनगर के बड़ा सिजुलता अंतर्गत ज्योतिष टोला के लोग सरकारी योजनाओं से अब तक वंचित हैं। ग्रामीणों ने बताया कि यहां के जन प्रतिनिधि ग्रामीणों को विकास योजनाओं को लेकर हमेशा लॉलीपॉप दिखाने का काम किया है। लोगों ने कहा कि विकास नहीं होने के कारण वे लोग संयुक्त रूप से वोट का बहिष्कार करने का निर्णय लिए हैं।
अच्छा सोलर पंप है कि नहीं? सोलर वाला नहीं है, एक भी नहीं है। जामनी गांव में सोलर वाला ज्योतिष टोला में कुछ नहीं मिल रहा। इंदिरा आवास भी नहीं, लेटरिन रूम भी नहीं बना, तो सोलर लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है, कुछ नहीं है। बोरिंग सब भी आज 8 महीना 9 महीना से गिरा हुआ है। बोल रहा जाके बना नहीं दे रहा, आएगा आएगा कर रहा कुछ नहीं। क्या नाम आपके? धनपति ज्योतिषी। अच्छा, यजन ने काको बोली छो मुखिया के? मुखिया वार्ड मेंबर सब के बोला होई, सबका के बोली छे। क्यों सुन छन ना? सुन नहीं बाबा, क्यों नहीं सुन छे? चलो दिए जाएगा सब भाई, माने गाय को लाइन दिए छे के सब टंकी सब दिए टंकी बन छे, लेकिन अंदर टंकी नहीं। मुखिया को कोई छे, वार्ड मेंबर को कोई छे, सबका को छे। क्यों सुन छे? सब गाय गाय बॉयरिंग ये टंकी बसन छे, मुड़बार जल टंकी दिए छे। अंदर कोनो ठिन टंकी देख छे, हमरा बस्ती के तो बड़ो छे, सही अंदर कोनो की छु नहीं छे। हमरा यदि ए एकटा बॉयरिंग है जल लाइन नहीं खाते था कि अंदर उदी के चूल्हा दिए की होवे घर दिए एकदम नास है। चलो यदि माने कमी कमी दंग नहीं होई जे की होवे? ठीक है, हम लोग समस्या दे चुके हैं, मुखिया को भी बोल चुके हैं, लेकिन अभी तो कुछ कार्रवाई नहीं किया गया है। कब बोले थे मुखिया को? साल भर से हो गया ज्यादा। उनका क्या कहना है? उबरे की होगा होगा बोल के पूरा पार हो जा रहा टाइम, कुछ नहीं कर रहा। देख रहे हैं इतनी बड़ी समस्या है पानी की, शौचालय का अभी तक शौचालय पूरा नहीं हुआ है गांव में। मेरा इंदिरा आवास भी नहीं है मेरा वार्ड में। और क्या क्या समस्या है? और क्या क्या समस्या हो रही है? देख रहे रोड का भी बस यही है, पानी होने जाने का कोई सुविधा नहीं है, पानी रोड में जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? छवि। मोदी योजना से वो नेटरिंग सब भी हम लोग को नहीं मिला है, नहीं बना है, और कुछ हम लोग का सब सब कुछ कुछ फायदा हम लोग का नहीं मिला, सरकारी लाभ कुछ नहीं मिल रहा हम लोग का यहाँ। और मुखिया के घर जा रहे हैं, मुखिया भी नहीं सुन रहा है, वार्ड मेंबर भी नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा है। हम लोग का रोड रास्ता का परिस्थिति देख लीजिए आप, पानी के लिए कुछ नहीं है, बहुत समस्या है। दो दो नल था वो भी टूट गया है। कल में हम लोग बोले कि हम लोग का रोड नहीं है ज्योतिष टोला में, रोड कम से कम ये रामपुर ये तक हम लोग का बना दीजिए। हैं, ये रोड से बहुत दिन से हम लोग का पुराना आदमी है, हम लोग यहाँ से हल्दी पोखर जाना आना रास्ता है, हैं, कहीं पर भी एकदम बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग का। 15 किलोमीटर घूम के हल्दी पोखर जाना पड़ रहा है। बरसात के दिन में तो हम लोग निकल नहीं सकते। बरसात के दिन में तो बहुत खराबी है, देख लीजिए गड्ढा है, मछली 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 चास होगा यहाँ पर रोड के सामने। सुभाष चंद्र ज्योतिषी। सुविधा हमें दूसरा बोरिंग भागे पड़े छे, और एक टा बोरिंग है तो लोग जल खाती गोटा बस्ती लोग हैं, और एक टा लोग जाकी कर बो बुढ़ी लोग जंचरी लोग सब लोग जल जल लोग जन्य को तो बोसे 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 5 घंटा हैं। कई बाबो सिनान महान को तो छावा डिप्टी ना पर पार्ट चंदे जाते सिनान महान जन्य हैं। बुढ़ी चली जाते कई बाबो जल को लाइन लिते होचे राजनगर की डुबरीडीहा पंचायत में गुणवत्तापूर्ण सड़क नहीं बनने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने 20 सूत्री विभाग से की है। राजनगर प्रखंड अंतर्गत रानीगंज चौक से छिलकानी तक 2.85 किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़क योजना का काम चल रहा है, जो उस गांव के स्थानीय लोगों द्वारा घटिया निर्माण के विरोध में विरोध करने के बावजूद वो ठेकेदार जो है मनमानी तरीके से दबंगई से वो अपना काम करना चाह रहा था, जिसके बाद विशुद्री कमेटी राजनगर को स्थानीय ग्रामीणों ने खबर किया। तब हम लोग गए थे निरीक्षण करने के लिए, तो निरीक्षण करने करने के क्रम में देखा कि सही में सड़क का निर्माण कार्य बहुत घटिया किस्म का चल रहा है, और उसमें जो ग्रेड 3 किया हुआ है और मुरम से जो रोलिंग हुआ है वो मुरम को बिना साफ किए जो है पिच कर रहा है। अभी क्या चाहते हैं आप? अभी उसमें यही चाहते हैं कि उसको उसका जो कालीकृत किया गया है उसमें जो है जांच होना चाहिए। जांच होना चाहिए।
क्या नाम है सरफ ठेकेदार का? नाम है ठेकेदार का मेसर्स शिव साई इंटरप्राइजेज ठेकेदार, ठीक है। जिसमें बोर्ड लगाया है उसमें प्राकृत राशि अंकित नहीं है और समय भी उसमें अंकित नहीं किया है कि कब से काम शुरू करना है, कब तक पूर्ण करना है। वो भी सड़क का निर्माण कर गुणवत्तापूर्ण हो। क्या नाम हुआ सर आपका? मोतीराम महतो। क्या है सूत्रीय अध्यक्ष राजनगर प्रखंड।